राजस्थान के बाराअटरू थाना क्षेत्र के छजावा गांव में 12 के आड़त व्यापारी राघवेंद्र चौधरी की हत्या के आरोप में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अमन पुत्र मांगीलाल जाति जाट उम्र 24 निवासी ईश्वरपुरा थाना मांगरौल हाल माथना रोड 12 ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं ईश्वरपुरा का रहने वाला हूं, वर्तमान में माथना रोड 12 रहता हूं। मैं राघवेंद्र जाति जाट निवासी रगड़ा हाल निवासी 12 की आड़त पर काम करता हूँ। 27 मई को मैं राघवेंद्र के साथ उधारी के रुपए लेने के लिए उनकी मोटरसाइकिल 12 से गोर्धनपुरा छजावा के लिए रवाना हुए थे। 12 से रवाना होकर छजावा तिरथीलाल मीणा ने मकान पर उधारी के रुपए लेने रात 9:30 बजे पहुँचे, जहाँ पर राघवेंद्र ने मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दी। मैं मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहा, राघवेंद्र ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब राघवेंद्र ने 3-4 बार और आवाज़ लगाई, तभी जोर से चिल्लाने की तथा गाली गलौज की आवाज़ आई और एकदम आक्रामक होकर घर से कुछ लोग दौड़ते हुए हथियारों सहित आए और कहा कि तू फिर उधारी वसूलने आ गया, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा तो निपटारा करना ही पड़ेगा। राघवेंद्र ने मेरे पास आकर कहा, अमन यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये लोग जान से मार देंगे। इस पर राघवेंद्र भागते हुए बाहर आए तो उनके पीछे संतोष मीणा पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी छजावा हाथों में कटिया व लठ लेकर राघवेंद्र के पीछे भागते हुए नजर आए। इस पर दोनों रोड की तरफ भागे। मुनीम अमन जाट ने बताया कि मैं पश्चिम दिशा की तरफ भाग गया था। ये सब लोग हथियारों से लैस होकर पीछे पड़ गए और हत्या कर दी। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसमें आज वृद्धिलाल और उसकी पत्नी संगीता उनको गिरफ्तार किया गया और अन्य मुलाजिमों के लिए टीम का सिगरी लेकर दे जाएंगे और टीम गठन किया जा चुका है। भविष्य देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।